बल्लेबाजी के लिए 2000 रुपए का इनाम जिनके माध्यम से दिया गया, उनकी टीम सुपर 8 में बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है। तो गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसी 11 सरस्वती ट्रॉम्बे कोलेवाड़ा टीम की ओर से गेंदबाजी के मार्ग पर यहाँ पर अमित कोहली गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैच यहाँ पर स्टार्ट होगा। स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतीक सुरते और उनका साथ देंगे यहाँ पर सूरज पाटिल। मैच यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ पावर प्ले की पहली गेंद अलग रणनीति के तहत, पिछले 2-3 सप्ताह की चर्चा करेंगे, चैंपियन सेकंड ट्रॉफी अपने घर पर लेके गई थी देवांश ट्रॉफी चिंसपाड़ा की। स्पिन के साथ शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पर प्रिंसी 11 सरस्वती ट्रॉम्बे कोलेवाड़ा टीम, और पहली गेंद अप स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा था, वह व्हाइट के साथ यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई टीम आदित्य 11 KDH वागिलवाड़ा, 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार जल्दी जांच लिया था इस गेंद को, थोड़ा सा पीछे था टप्पा, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश लेग कटर की, और एक बॉल थी जहां पर ड्राइव किया था कवर शॉट कवर पॉइंट के रीजन में, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। अच्छा मैच है दोनों टीमों के बीच, इससे पहले जीवदानी बामन डोंगरी टीम को परास्त करते हुए कुमार 11 तुर्बे टीम ने अपनी पहली जीत हासिल की। अब इंतजार में होगी कि उनके सामने वागिलवाड़ा होगी या ट्रॉम्बे कोलेवाड़ा टीम होगी। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव करते हुए ट्रॉम्बे टीम के कप्तान, 1 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर यहां पर लगता हुआ, व्हाइट के आधार पर स्पिन अटैक यहां पर जल्दी प्रमोट किया, अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, इसको भी लेट कट खेलने की कोशिश की थी। 38 सर्कल जो है वो बहुत लंबा है और यकीनन यहां पर इतना सहज नहीं होगा इन सर्कल के भीतर गैप निकालना। अच्छी यहां पर गेंदबाजी चलती हुई, तो विकेट हैट्रिक के लिए उमेश पिंगले, इनकी ओर से इनाम दिया जाएगा 1000 रुपए का, लेकिन डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद बिल्कुल यहां पर बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन तो लटकर ए कमजोर 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 नहीं तो लटकर मर्दावानी हा फटकर मारला कसून षटकर मर्दावानी हा फटकर मारला कसून षटकर। थैंक यू डीजे, जल्दी गेंद की तरफ पहुंच गए थे बल्लेबाज और अच्छे तरीके से पिक किया इस गेंद को, सीमा रेखा की मदद से 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रन। इस बार बैकफुट पर गए, जगह बनाई, डीप लॉन्ग लेग खुला यहां पर, सर्कल का फायदा उठाते हुए गेंद सीमा पर, 4 रन। बिल्कुल 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर यहां पर आगे छलांग मारता हुआ 11 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर आदित्य 11 KDH वागेलवाड़ा। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। बिल्कुल शानदार क्रिकेट, पहले विकेट के लिए दमदार शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की ओर से, ऐसा लग रहा था स्पिन अटैक के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की थी, थोड़ा सा विचलित किया था बल्लेबाज को, लेकिन उसके बाद अपने आप को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी, फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, रिवर्स शॉट स्विच इट परफेक्ट ऑफ द मिडल, गेंद बिल्कुल डीप पॉइंट कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, अच्छा शॉट, संपर्क बढ़िया हुआ, प्रतीक के बल्ले से मैक्सिमम हिट 6 रन। अरे स्पर्धे मध्ये त्याच्या जोडीला राम पवार हाय, हे मिथुन पाटील। थँक यू डीजे, दो छक्के लगातार नहीं बल्कि एक चौका आया था बीच में, लेकिन 2 छक्के अब तक इस ओवर में लेने में कामयाब हो चुके हैं। ये ज्यादा फ्लाइट दी थी इस गेंद को, स्वीप करना चाहते लेकिन गेंद गई यहाँ पर बैकफुट पॉइंट के रीजन में, तब तक यहाँ पर बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया और इसे 1 रनों की मदद से पहला ओवर लेग बाइज का इशारा था अंपायर का, महंगे ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आदित्य 11 KDH वागेलवाड़ा टीम का स्कोर है यहां पर 18 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। बक्षीस लाखाचा कोण जिंकून नेणार हाय, पहिला बक्षीस लाखाचा कोण जिंकून नेणार हाय।
थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ और आदित्य केडीएच वाघीलवाड़ा टीम ने दमदार रन बटोरे, 18 रन अकेले बल्लेबाज ने, 6 की 6 गेंदों का सामना किया प्रतीक पाटिल ने। और प्रतीक सुरते बिल्कुल ये नामचीन बल्लेबाज ने, और क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अब फिर से एक बार अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल मिला और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। सबसे विस्फोटक ये जोड़ी है और बिल्कुल ये जोड़ी रनों के लिए जानी जाती है। और इस पर दबा वही शुरुआत होती हुई, शुभम पहली फुल टॉस बॉल ओवर द विकेट से आए थे, इस गेंद को फेंक दिया स्क्वेयर लेग मिड विकेट के ऊपर से, अंपायर का इशारा, बिग 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 विकेट क्या कमाल का स्ट्रोक था, करारा जवाब पहली गेंद के ऊपर देते हुए बल्लेबाज प्रतीक सुरते। गेंद सीमा पार, 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 24 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। क्या कमाल की बल्लेबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए अकेले बल्लेबाज ने 7 गेंदें फेस की और 7 गेंदों में क्या शानदार बल्लेबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए शुभम, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले ये बॉलर है। इस बार लेट कर खेला, गैप ढूंढने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग होती वहां पर 30 सर्कल के अंदर, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। सामने जानते हैं ट्रॉम्बे टीम है, प्रिंस 11 सरस्वती ट्रॉम्बे टीम है, जिसकी हम चर्चा करते हैं कि अब बल्लेबाजी में उनकी गहराई, दीपेश कोहली जैसे बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज उनकी टीम में, तो यकीनन एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा पहले बल्लेबाजी करते हुए आदित्य 11 केडीएच वाघीलवाड़ा टीम को। गेंदबाजी के मार्ग पर शुभम, छक्का आने के बाद डॉट बॉल निकालने में कामयाब बिल्कुल हुए थे, लेकिन इस बार भी थोड़ा सा सम मिश्रित चेंज ऑफ पेस, गति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए पहली गेंद खराब गिरी थी, उसके बाद बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए भूषण पाटिल थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए, आज इस कड़ी धूप में आज बल्लेबाजी अच्छी रही लेकिन फील्डिंग के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी उन्हें, मात्र सब्स्टिट्यूट होकर 12वें खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए थे। एक मुकाबला जीता है तुर्बे 11 टीम ने, उनके सामने चुनौती इनमें से जीतेगी जो टीम उसकी होगी, यहां पर देखना होगा, लाइन चेक करने होगी, अंपायर को व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, खड़े खड़े मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इजाफा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन। दमदार शुरुआत, सूरज मात्र नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े है, कब इन्हें मौका मिले, लेकिन जब तक रन बनाकर अपना काम तमाम करे, सूरज का थोड़ा सा प्रेशर कम करे, उसी के अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई। एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। क्लीन बोल्ट, जरूरत थी एक विकेट की, घुटने के बल पर खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर बल्ले पर टकराई गेंद, अंदरूनी किनारा लगती हुई सीधा विकेटों के ऊपर टकराई और गिल्लियां बिखेर दी बल्लेबाज। यहां पर प्रतीक की पहला करारा छटका मिलेगा, स्टंप एंड बैट एंड पैड के बीच में से यह गेंद गई और बिल्कुल यहां पर पहला करारा छटका मिलता हुआ। क्या कमाल की गेंदबाजी, पहले ओवर में दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली लेकिन उसके बाद पहली गेंद के ऊपर सेकंड पावर पे की छक्का आया था और पूरी तरीके से यहां पर बल्लेबाज को रोका और आउट होकर एक पहला विकेट लेने का कारनामा और पहला बड़ा छटका मिलेगा आदित्य 11 वाघीलवाड़ा टीम को। इसीलिए कहते हैं बार बार हार कर जिसके मन से एक ही आवाज आए, एक कोशिश और वही होता है असली विजेता। यहाँ कोशिश की यहाँ पर शुभम ने और यहाँ पर विकेट लेने की ताकत दिखाई और पहला बड़ा छटका आदित्य 11 केडीएच वाघीलवाड़ा टीम को मिलता हुआ। न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3, वन डाउन के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर एक और बिग हिटर भागेश सुरते तैयार खेलने के लिए। पहली गेंद कहां रुकते हैं, आते ही बड़े शॉट के साथ अपनी शुरुआत करते हैं और ये गेंद को खेल दिया डीप बैक और स्क्वेयर लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आएगा 6 रन। जय
यू डीजे, बिल्कुल सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। क्या कमाल का यहाँ पर स्ट्रोक नजर आता हुआ बल्लेबाज के माध्यम से। इस बार भी शॉट बड़ा खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या पहुंची है आदित्य 11 के डीएच वागीलवाड़ा की 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। ये जो गाना है ना, ये गाना सुनने के बाद प्रकाश झुकी के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट आती है क्योंकि ये सॉन्ग पालघर जिले के आदिवासी लड़के का ये सॉन्ग है। और जैसे ये सॉन्ग डीजे मास्टर ने बजाया और प्रकाश झुके के चेहरे के ऊपर कितनी हल्की सी मुस्कुराहट, बिल्कुल चेहरा आपका जानते हैं आप खुशी का इजहार है और आपका ये सुमधुर संगीत है उसकी वजह से आपको ये आपके चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट आई। स्वागत है मिथुन शेट के बिल्कुल काफी नजदीक करीबी दोस्त है, उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलते मुकाबले की तरफ। मोस्ट लेजेंड खिलाड़ी यहाँ पर देवीदास कोहली लेफ्ट हैंड बॉलर है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। इस बार देखिए मौका शायद बन सकता था, अच्छी गेंदबाजी, रनआउट का भी चांस था, दोनों तरफ यहाँ पर मौका था लेकिन दोनों मौके छूटे यहाँ पर फील्डरों के ओर से। गेंदबाजी के मार्ग पर है गेंदबाज देवीदास कोहली, पहली ही गेंद के ऊपर यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज सूरज को और लगभग 12 गेंदों के बाद 13वीं गेंद का इंतजार करना पड़ा बल्लेबाज सूरज को। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, यहां पर छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए और स्ट्रोक को खेल दिया डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आएगा 6 रन। बिल्कुल यहाँ पर तूफान जरूर है इनके सामने सूरज नाम का, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता बल्कि कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये तूफान है मैदान में जिस तरीके से अपने टीम के लिए एक अलग रास्ता एक अलग ऊंचाई पर रहने की कोशिश करते हुए। और यहाँ पर आप रन संख्या देख सकते हैं कितना तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 42 रन इस समय एक विकेट के नुकसान के ऊपर। सूरज के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 4 गेंदों का सामना किया, एक छक्का एक चौकों की मदद से 10 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज भागेश सुरते आते ही 6 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी, वो खेल रहे निजी 6 रनों के ऊपर। देवदास तैयार, इस बार भी अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी तो अच्छी चल रही लेकिन फील्डरों का साथ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी एक सिंगल बटोरते हुए विकेट कीपर शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में जाकर उठाएंगे गेंद को, तब तक 1 रन पूरा करते हुए और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 43 रनों के ऊपर 43 लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले 2 ओवर में 31 बने थे, इस ओवर की बात करेंगे तो अभी तक 12 रन खर्च होते हुए गेंदबाज देवीदास कोहली अंतिम 1 गेंद बची है, क्या रोक लगा पाएंगे इस बल्लेबाज भागेश सुरते को।
अच्छा शॉट है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन में फील्डर है, शुभम उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक रन तो जरूर मुकम्मल। और इसी एक रनों के साथ ओवर नंबर तीसरा यहां पर समाप्त होता हुआ और तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आदित्य 11 KDH वागीलवाड़ा टीम की रन संख्या पहुंची है 44 रन 44 एक विकेट के नुकसान पर। कोण जिंकून नेणार हाय, पहिला बक्षीस लाखाचा, कोण जिंकून नेणार हाय, पहिला बक्षीस लाखाचा, कोण जिंकून नेणार हाय, पहिला बक्षीस लाखाचा, कोण जिंकून नेणार हाय, पहिला बक्षीस लाखाचा। 2022 चा या नवीन वर्षाचा कोण मानकरी होणार हाय या आयश चषकाचा, कोण से बाहर लौटता हुआ अब बात करेंगे 12 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ, इन 12 गेंदों के ऊपर अब बात करेंगे। दोनों बल्लेबाजों की निगाह सेट हो चुकी है, सूरज पाटिल और भागेश सुरदे, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आते हुए दिनेश पाटिल। तो दिनेश यहाँ पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए सामने बल्लेबाज है प्रतीक। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 9 विकेटे आदित्य KDH 11 वागीलवाड़ा टीम के खेमे में अभी भी सुरक्षित है। पहली गेंद, ओ व्हाट अ शॉट, कमाल का शॉट है भागेश के बल्ले से, ये गेंद जाती हुई सीमा पार 6 रनों के लिए। बिल्कुल फ्लिक ऑन द रिस्ट, कमाल का ये शॉट था, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 6 रनों का। चौथे ओवर की शुरुआत भी छक्कों के साथ यहां पर करते हुए शुभम आए थे गेंदबाजी के लिए, शुभम पाटिल की शुरुआत भी छक्कों के साथ हुई थी और यहां पर चौथे क्रमांक के गेंदबाज दिनेश पाटिल की शुरुआत भी यहां पर छक्कों के साथ होती हुई। शायद 2 ओवर किससे करना चाहते हैं ये बात समय से पहले, लेकिन चारों के चारों गेंदबाज अलग यूज करते हुए, पहले अमित कोहली ने, दूसरे आए शुभम पाटिल, तीसरे आए देवीदास कोहली और फिर से एक बार दिनेश पाटिल यहां पर चौथे नंबर के गेंदबाज, यानी कि किसी एक गेंदबाज से अब साफ है, अमित से, शुभम से या तो देवीदास से, एक ओवर दूसरा 2 ओवर का जो कोटा होता है एक गेंदबाज का वो उनके ओर से बिल्कुल किया जाएगा। इस बार अच्छी गेंद, लाइन लेंथ से कमबैक करने की कोशिश करते हुए डॉट बॉल की यहां पर बिल्कुल समाप्ति होती हुई, स्कोर रुका हुआ 50 का आंकड़ा मात्र पूरा हो चुका है। यहां पर बल्लेबाजी करने वाली KDH वागीलवाड़ा, बिल्कुल लालचंद गाबन, जीवन गाबन, किरण मढ़वी, ये काफी टीम को प्रमोट करते हैं, एक अच्छा युवा खिलाड़ियों को बिल्कुल हौसला बढ़ाने का काम करते हैं और यकीनन यहाँ पर उनके ही तालीम में आज आपको ये KDH वागीलवाड़ा टीम इस मुकाम तक पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर अच्छा संघर्ष करती है। इस बार लेग कटर करने की कोशिश की थी, काफी छोटी जरूरत थी लेकिन ऑप्शन से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा था, वो व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 51 रनों के ऊपर। एक बार व्हाइट के ऊपर नजर डालेंगे तो पहले ओवर में एक व्हाइट आया था, दूसरे ओवर में एक व्हाइट, तीसरे ओवर में व्हाइट, चौथे ओवर में भी व्हाइट, एक बार करेंगे तो 4 व्हाइट गेंदे अभी तक फेंके, एक लेग 22 की रन है और टोटल 5 एक्स्ट्रास रन अभी तक यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ये भी छोटी गेंद है, इस गेंद को भी खेल दिया सीमा रेखा के बाहर, 2 छक्के अब तक भागते हुए बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से, भागेश के बल्ले से ये लंबा हिट 6 रन। देखना चिकना
थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी, सूरज मात्र अभी तक रुके हुए। जो सूरज इस बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है उसका दबाव मात्र कम करते हुए ये बल्लेबाज भागेश। प्रतीक ने शानदार बल्लेबाजी की, प्रतीक के बल्ले से 3 छक्के निकले, उसके बाद भागेश के बल्ले से इस ओवर में 2 और इससे पहले 1 छक्का आया था, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 3 छक्के इसके बल्ले से अभी तक निकले हैं, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई। और सूरज के बल्ले से, यानी कि टोटल छक्कों की बात करेंगे तो लगभग 6 छक्के आए यहां पर बल्लेबाजी करते वक्त, 7 छक्के दागे आदित्य 11 केडीएच वागीलवाड़ा टीम ने। यहां पर थोड़ी सा उछालता इस गेंद के ऊपर देखना होगा, अंपायर का फैसले का इंतजार निश्चित तौर पर देखेंगे। जहां पर मुड़े तो जरूर है काफी बाहर की तरफ, एक्शन रिप्ले में भी नजर आती हुई और व्हाइट के साथ यहां पर एक्सट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, थोड़ा सा प्रेशर है प्रिंस इलेवन शरद स्मृति ट्रम्बे कोलीवाड़ा टीम के गेंदबाजों के ऊपर, और उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शानदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए भागेश सुरते 6 गेंदे 19 रनों की शानदार पारी खेली है। लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में है देवीदास कोहली, वो कमाल की फील्डिंग लेते हुए बढ़िया कैच, कमाल की फील्डिंग और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी काम। 3 छक्के दागे थे, उसी बल्लेबाज को रोकने के लिए निश्चित तौर पर यहां पर काम किया गेंदबाज दिनेश कोहली ने, और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ टोटल 2रा झटका वागीलवाड़ा टीम को। दोनों भाइयों ने अपना काम तमाम किया, यानी कि भागेश सुरते और प्रतीक सुरते, ये दोनों भाइयों की जोड़ी मात्र मैदान से बाहर लौटी। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर रन बने हैं टोटल 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। प्रतीक ने 10 गेंदों में 22 रन बनाए, भागेश ने 7 गेंदों में 19 रन बनाए और दोनों के बीच में अगर देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को नजर आया। तो चलते हैं मैदान की तरफ फिर से एक बार। न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 4 सत्यवान पाटिल, ये भी बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज है, जब मौका मिलता है अच्छी खासी बल्लेबाजी करना ये भी पसंद करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचते हुए सूरज पाटिल तैयार। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है, 1 रन तो जरूर मुकम्मल उठाएंगे फील्डर, तब तक 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 59 रनों के ऊपर। 4th ओवर प्रगति पथ पर है, अंतिम गेंद यहां पर 4th ओवर की फेंकी जाएगी दिनेश पाटिल के माध्यम से। दिनेश को 2 छक्के जरूर दागे हैं लेकिन दिनेश ने इंपॉर्टेंट विकेट लेने में बिल्कुल अपनी कामयाबी दिखाई, यानी कि बल्लेबाज यहां पर भागेश सुरते को आउट किया, जिस भागेश ने 3 छक्के दागे थे उसी भागेश को मात्र चलता बना दिया। अंतिम गेंद 4th ओवर की दिनेश पाटिल, थोड़ी सी रन संख्या की बात करेंगे, मात्र मजबूत स्थिति में है अब तक आदित्य 11 केडीएच वागीलवाड़ा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा परिवर्तन फील्डिंग में, तो यकीनन देखेंगे किस तरीके से रोकने में कामयाब हो पाएंगे, या सूरज अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे अंतिम गेंद के ऊपर, या कोई बड़ा शॉट खेलकर यहां पर अपने स्कोर को आगे बना पाएंगे सत्यवान। हवा में गेंद है, काफी देर तक फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, 1 रन तो जरूर मुकम्मल लेकिन बढ़िया फील्डिंग, कमाल की कैच पकड़ी यहां पर नीरज के माध्यम से और इसी के साथ अंतिम 4th ओवर की गेंद थी और बिल्कुल इस गेंद के ऊपर विकेट मिला। और टोटल दिनेश पाटिल के गेंदबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, टोटल 15 रन खर्च हुए, 2 महत्वपूर्ण सफलता इनके नाम पर और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या रुकी हुई है 59 रन इस समय, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। थैंक यू डीजे, माफ कीजिएगा दोस्तों, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ये रन संख्या बनी है 59, 59 रन। प्रतीक सुरते, भागेश सुरते और आउट होने वाले बल्लेबाज है बिल्कुल यहां पर सत्यवान, ये 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटे। अब नए बल्लेबाज आते हुए सुमित पाटिल, सूरज के ये भी भाई है और देखेंगे ये दोनों भाइयों की जोड़ी अंतिम ओवर में कितने रन बटोर पाती है। गेंदबाजी में फिर से एक बार बदलाव होता हुआ, गेंदबाज यहां पर देवीदास कोहली टीम की ओर से 5वीं और व्यक्तिगत 2री ओवर फेंकने के लिए तैयार होते हुए सामने सुमित पाटिल है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस बॉल, पहली गेंद, बड़ा शॉट है, गैप भी बहुत बड़ी है लेकिन देखेंगे चौका या छक्का, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। गेंद सीमा, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन।
तो चार रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 63 रन। मजबूत स्थिति में सबसे ज्यादा स्कोर खड़ा करने की आज ताकत शायद दिखाती हुई आदित्य 11 KDH वाकिलवाड़ा टीम। यह भी हाफ रैकर की बॉल थी, इसको भी खेल दिया सीधा मिड विकेट के बाहर, हवाई सफर करती हुई सीमा पार 6 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल लगातार छक्कों की बौछार यहां पर नजर आती हुई इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 69 रन। इस बार क्लीन बोल्ड, दो बड़े शॉट्स खेलने के बाद यहां पर जवाब दिया और इसी के साथ बल्लेबाज सुमित के पारी का अंत होता हुआ। यह पहली मर्तबा ऐसा हो चुका है, 5 ओवर का मैच है जहां पर 30 गेंदें फेंकी जाएगी और सूरज ने कम गेंदे खेली है और इसी के साथ ये 4th विकेट, टीम की रन संख्या है टोटल 69 रन। कि अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है, लेकिन यहां पर देखेंगे पूरी तरीके से कमबैक करने की कोशिश प्रिंस 11 सरस्वती ट्रॉम्बी कोलीवाड़ा टीम। टीम की रन संख्या यहां पर बल्लेबाजी करने वाली वागिलवाड़ा की 69 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। इस बार भी डंडी गुल और इसी के साथ बल्लेबाज के पारे का सूरज नाखुश है, लगातार एक के बाद विकेट यहां पर गिरती हुई। बल्लेबाज आए थे बल्लेबाजी के लिए दर्शन, वो भी सस्ते में 0 पर लौटे और 1 विकेट गिरेगा वागिलवाड़ा टीम का। अशी बुद्धी लढवली या फेमस बॅटमन ची कशी दांडी सुडवली या फेमस बॅटमन। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, और यहाँ पर क्या बेहतरीन कमबैक, विकेट हैट्रिक के तगार पर है। अगर यहाँ पर विकेटों की हैट्रिक गेंदबाज पूरी करते हैं तो उमेश पिंगले इनकी ओर से बिल्कुल इनाम दिया जाएगा, 1000 रुपए का इनाम है गेंदबाज के लिए। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर क्या विकेटों की हैट्रिक यहाँ पर पूरी कर पाएंगे देविदास कोहली। 1 चौका 1 छक्का आने के बाद 2 गेंदों के ऊपर 2 क्लीन बोल्ड किए, अब देखेंगे यहाँ पर क्या विकेटों की हैट्रिक अपने टीम के लिए पूरी कर पाएंगे। लालचंद गावन न्यू बैट्समैन यहाँ पर आते हुए 7वें नंबर के बल्ले पोजिशन पर, कई सालों का अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। कई मर्तबा जब अपने उम्र में 40+ के ऊपर ये खिलाड़ी है, लेकिन अपना जब जवानी का जमाना था तभी उसी तरह का क्रिकेट, और आज भी इस उम्र में भी वही क्रिकेट दिखाने की क्षमता इस बल्लेबाज में है। दोनों लेजेंड खिलाड़ी एक दूसरे के सामने, फुल टॉस गेंद थी यहां पर, अंपायर का नो बॉल का करार आता हुआ, विकेट हैट्रिक के तगार पर थे, थोड़े से ओवर स्टेप हुए और यहां पर बिल्कुल अंपायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ। 1+1 दो रन मुकम्मल होंगे इस गेंद के ऊपर और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 71 रनों के ऊपर। देविदास कोहली बिल्कुल यहां पर नो बॉल डालते हुए, फ्री हिट का मौका होगा। अब सूरज लंबे अरसे के बाद यहां पर आते हुए स्ट्राइक इन पर, सूरज की बल्लेबाजी आप देखे हैं, सिर्फ 6 गेंदे खेली इन्होंने और 12 रन 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 09 नंबर की जर्सी प्रदान करते हुए एक अच्छे खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी, बड़े शॉट्स के लिए हमेशा जाना जाता है ये खिलाड़ी। इस बार यॉर्कर डालने का प्रयास, फ्री हिट का मौका था लेकिन उस मौके को भी गवा दिया। डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई, देखते देखते इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है 5 और अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से शानदार क्रिकेट यहां पर दिखाते हुए, कमाल की क्रिकेट, शानदार वापसी अपने टीम के लिए देते हुए, और यकीनन यहां पर डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई स्कोर वही के वही रुका हुआ 71 रन। अच्छी बात है, एक समय लग रहा था कि 80-90 का आंकड़ा आसानी से छू जाएगी पहले बल्लेबाजी करने वाली आदित्य 11 KDH वागिलवाड़ा टीम, लेकिन सूरज को मात्र पूरी तरीके से नियंत्रण में रखते हुए प्रिंस 11 सरस्वती ट्रॉम्बी कोलीवाड़ा टीम के ये गेंदबाज। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इस मुश्किल को बिल्कुल आसान बनाते हुए शानदार गेंदबाजी, अंतिम गेंद इस पहले पारी की लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, यहां पर भी बीट किया बल्लेबाज को, अपील की गई थी अंपायर की तरफ, इस अपील को स्वीकारा और अंतिम गेंद के ऊपर विकेट मिली देवीदास को और एक बड़ा छटका लगेगा और इसी के साथ 5वां ओवर भी कंप्लीट हुआ और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आदित्य KDH वागिलवाड़ा टीम का टोटल स्कोर है
छह विकेट के नुकसान के ऊपर 71 रन जीतने के लिए 30 गेंदे यानी कि 5 ओवरों में 72 रनों की आवश्यकता है। सेकेंड इनिंग्स में प्रिंस इलेवन सरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम को लक्ष्य बड़ा है, इस लक्ष्य को बनाएंगे या इस लक्ष्य को वागीलवाड़ा टीम बचाएगी, इसका आपको देखा विवरण सेकेंड इनिंग्स में। फिर से एक बार चलते हैं द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र कुणाल दाते सर, तब तक सुनिए डीजे के सुमधुर संगीत। साहेब यावं व्यासपीठावरती क्रिकेटसाठी सातत्याने धर्म मानणारे आणि क्रिकेटसाठी चांगले योगदान देणारे अर्थातच सिटी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालं, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। तर जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, कुणाल दाते सर यांच्याकडे 29 चेंडू आणि 72 धाव्यांची गरज, यातून जो संघ विजय होईल तो तुर्बे संघाविरुद्ध अंतिम सामना खेळेल आणि सुपर 8 मध्ये चांभारली संघाविरुद्ध कुठला संघ जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया कुणाल दाते सर यांच्यातून। धन्यवाद प्रवीणजी गायकर। 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे, एक चांगलं टार्गेट। तर 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामी वीर आता मैदानामध्ये जातील। प्रिन्स इलेवन स्वर्गीय शरद कोळी इलेवन ट्रॉम्बे या टीमचे चांगलं टार्गेट सेट केलंय आदित्य इलेवन केडीएच वाघिवली वाडाने आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करायची आता जबाबदारी आहे ओपनर्सवर। नेक्स्ट मॅच तुर्बे संघ खेळताना दिसेल, जो संघ विजेता ठरेल या मॅचमध्ये तो दोन हात करताना दिसेल तुर्बे टीमच्या विरोधामध्ये। तर खऱ्या अर्थानं डीजेच्या भूमिकामध्ये तुम्ही पाहू शकाल स्टायलिश व्यक्तिमत्व, सातत्याने एक चांगली डीजेची मेजवानी प्रेक्षकापर्यंत पोहोचत असताना अक्षय डीजे यांचं आम्ही सहज स्वागत। डीजे रॅपिंग करत असताना इथे आणि प्रत्येक एक संगीत प्रेक्षकापर्यंत पोहोचत असताना अक्षय तुमचंही सहज स्वागत, या बोलूया कुणाल दाते सर यांच्याकडे। अनिल कोळी आणि चेतन कोळी दोन बंधूची जोडी आता मैदानामध्ये दाखल होते आणि जिथे लक्ष पार करायचंय 72 रनचं 72 टार्गेट कंपल्सरी टार्गेट चेस असेल हा नियम आहे या स्पर्धेचा, लक्षात घ्या। टीम ट्रॉम्बे दुसऱ्या बाजूला केडीएच वाघिवलीवाडा हर्डल करत असताना सर्वच खेळाडू एकत्रित येत आहेत, कशा पद्धतीने या रन डिफेंड करायचे आहेत, कुठले कुठले गोलंदाज त्यांची भूमिका काय असेल याच्यावर ते चर्चा करतात। टीम हर्डलमध्ये दोन खेळाडू अगदी खेळपट्टीच्या मधोमध चर्चा करतात, पॉवर प्लेमध्ये किती रन आपल्याला जोडायचे आहेत, कशा पद्धतीने खेळ करायचा आहे, बॉलची चाचपडणी इथे करत असताना दोन्ही बॅट्समन। आणि आता अखेर सामन्याला सुरुवात होईल जिथे 72 रन चेस करण्यासाठी प्रिन्सी इलेवन स्वर्गीय शरद कोळी स्मृती ट्रॉम्बे हा संघ मैदानामध्ये उतरलाय। 14.40 सरासरीने ते धावा अर्जित करायचे आहेत। अनिल कोळी स्ट्रायकिंग एंडला, चेतन कोळी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, दोन्ही पंच तयार। त्याच्यानंतरचा सामना 4 षटकांचा आपल्या समोर येईल जिथे तुर्बे संघ पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालाय। कुमार इलेवन तुर्बेने चांगला खेळ दाखवला मागच्या मॅचमध्ये, नमित पाटील भूषण पाटीलने चांगला खेळ करत एक सामना जिंकून दिला टीमला। सेकंड मॅचमध्ये ते खेळताना दिसतील, याच्यानंतर तो शेवटचा सामना आपल्या समोर असेल। तत्पूर्वी जाऊया या मॅचकडे, 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग आता सुरू होईल। पद्माकर पाटील साहेब यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक वाघिवली वाडा या टीमसाठी लागू करण्यात आलंय। जे पुरस्कर्ते आहेत आदित्य इलेवन केडीएच वाघिवली वाडाचे, या संपायचा सिग्नल मॅच स्टार्ट।
सलामी की जोड़ी मैदान मध्य है अनिल चेतन नॉन स्ट्राइकिंग एंडला पहला बॉल फेस करता दिसेल दर्शन का पहला बॉल दर्शन का खोलवा टप्प्या होता अतिशय चांगला बॉल बीट कर विकेट कीपर हाथ मध्य डॉट बॉल डॉट बॉल दबाव बनवता दिसतील पावर प्ले मध्य रन पाहिजे खास करून ट्रॉम्बे टीम का विचार केला तर पावर प्ले मध्य रन आल्या 25 ते 30 पर्यंत जर त्यांनी मजल मारली तर मैच रंगतदार होईल स्वीप केलाय फटका चांगला आहे स्लॉग स्वीप करत असताना बॉल चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाइन च्या दिशेने पाहूया पंचांचा इशारा काय येतोय 4-6 वेटिंग फॉर अंपायर सिग्नल आणि पंचांचा इशारा येतोय हा येतोय चौकार पहिला बॉल डॉट दुसऱ्या बॉल वर चौकार खाते उघडले अनिल कोळी ने संघाच 4 धावा दुसरा बॉल देखील फुल टॉस होता त्याच दिशेला खेळायचा होता परंतु टाइमिंग जुळताना दिसत नाहीये आणि तोपर्यंत एक धाव मिळताना दिसेल बॅटला ब्रश होतोय बॉल या सिंगलच्या जोरावर टीमची धाव संख्या 5 षटक क्रमांक पहिले सुरू असताना अनिल कोळीच्या बरोबरीने चेतन आता स्ट्राइकिंग एंडला आलाय लक्ष आहे 72 रनच पावर प्ले खूप महत्त्वाचं आहे आणि पावर प्ले मध्ये रन करावे लागतील ट्रॉम्बे टीमला कधी थोडीशी कमी केली पंचाकडे अपील करत असताना फेटाळली ही अपील पंचाने जोपर्यंत बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल जातोय एक धाव मिळताना दिसते लेग बाईटचा इशारा इथे पंच घोषित करतात अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावांमध्ये भर पडत असताना रन झालेले आहेत स्कोरबोर्डवर 6 स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा अनिल खात उघडायचं अजूनही चेतन कोळीला लेग बाईटचा इशारा इथे पंचांनी घोषित केलाय 6 धावा फलकावर पुन्हा एकदा ओवर पिच बॉल स्लाइटली ओवर पिच परंतु इथे बीट करून जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये आणखीन एक डॉट बॉल पदल आलित्य होताना दिसत नाहीये फुटवर्क नाहीये खडे खडे फटके मारण्याचा प्रयत्न होतोय त्याच्यामुळे बीट केलं जातंय या ओव्हरच्या दरम्यान दर्शन पाटीलने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे या ओव्हरचा हा शेवटचा बॉल हा देखील फुल टॉस होता स्क्वेअर ड्राइव्ह करायचा होता बॅटची कडा घेऊन बॉल मागे जातोय क्षेत्ररक्षण होतोय अपील होते रनआउटची तत्पूर्वी एक धाव मिळताना दिसेल स्ट्राइक टेबल नेक्स्ट ओव्हरमध्ये अनिल कोळी स्वतःकडे पहिल्या षटक इथे संपले दर्शनचं 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना धावा झाल्यात फक्त स्कोरबोर्डवर 7 24 बॉल मध्ये 65 धावांची आवश्यकता आहे प्रिन्स 11 शरद कोळी स्मृती ट्रॉम्बे या टीमला 24 चेंडू आणि 65 धावा हे समीकरण या मॅच मध्ये लक्ष भरपूर मोठं आहे आता पॉवर प्ले मध्ये फक्त 7 धावा आल्या पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान दुसरं षटक पॉवर प्लेचं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये सेकंड ओव्हरमध्ये सूरज पाटील गोलंदाजी करताना दिसेल 8 चेंडूमध्ये फक्त 12 धावा करू शकला बॅटिंग करत असताना सूरज परंतु प्रतीकने चांगला खेळ दाखवला 220 स्ट्राईक रेटने 22 धावा केल्या आणि 7 चेंडूमध्ये 19 धावा भागेश सुरतेने केला 3 चेंडूमध्ये 10 धावांची खेळी सुमित पाटीलने साकारल्याने त्याचमुळे एक मोठं टार्गेट सेट झालं रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट गमवत गेला वाघिवली वाड्याचा संघ परंतु धावा येत गेल्या हे मात्र विशेष तसाच खेळ करणं गरजेचं आहे ट्रॉम्बे टीमला या मॅचमध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात फक्त 7 सूरज पहिला बॉल घेऊन पॉवर प्लेचा आउटसाइड ऑफस्टम हा बॉल पिच केलाय पंच वळत आहेत अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा रनने सुरुवात झाली आहे व्हाईटच्या जोरावर टीमची धावसंख्या 8 64 धावांची आवश्यकता अजूनही असेल लक्ष आहे या मॅचमध्ये 72 रनच 24 चेंडू आणि 64 धावा 16 ची सरासरी रिक्वायर रन रेट 16 गाठावा लागेल प्रत्येक ओव्हर मध्ये आक्रमण आता करावं लागेल हा लक्ष भरपूर मोठा आता होत चाललंय सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं 12वे संघ असाच पराभूत झाला बॉल हवेत खेळला इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहे आणि शॉर्ट कव्हरच्या दरम्यान इथे झेल पकडला जातोय फलंदाज बाद होतोय झेल पकडला सत्यवन यांनी आणि इथे पहिला धक्का बसतोय ट्रॉम्बे टीमला चिंबोरी आता येईना
यू डीजे। तो पहली विकेट इथे गमावली आहे ट्रॉम्बे टीम ने। फुलर लेन चा बॉल कवर्स ला खेळण्याचा प्रयत्न, वाइड यॉर्कर चा प्रयत्न इथे करत असताना गोलंदाज सूरज पाटील आणि इथे डॉट बॉल आलाय। चांगली कामगिरी या ओव्हरच्या दरम्यान, पहिला बॉल वाइड, त्यानंतर विकेट, त्यानंतर पुन्हा एकदा एक डॉट बॉल। पंचांकडून विचारणा होते एक्झॅक्ट हा बॉल वाइड बॉल का तुम्ही घोषित केल्याने, परंतु त्याचं प्रतिउत्तर पंच देत असताना इथे येतोय डॉट बॉल। गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार, सूरज पुन्हा एकदा ते चित्र, बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक नाही आहे, पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जोपर्यंत बॉल ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत दुसऱ्या रनचा प्रयत्न। कव्हर पॉइंट वरून डीप मधून क्षेत्ररक्षण होतोय तोपर्यंत दोन धावा मिळतील। डबल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आहे 10। 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग, 62 रनची अजूनही आवश्यकता, टार्गेट मोठं होत चाललंय टीम प्रिन्स इलेव्हन शरद स्मृती ट्रॉम्बेसाठी। पुन्हा एकदा फुल टॉस, ऑफ ड्राईव्ह इथे केलाय, खराब क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळते मिड ऑफला। बॉल सीमारेषा पलीकडे हा येतोय चौकार, टीमची धावसंख्या 14 वर जाऊन पोहोचली। फलंदाज चेतन कोळीच्या बॅट मधून हा चांगला ऑफ ड्राईव्ह, मिड ऑफच्या दरम्यान खराब क्षेत्ररक्षण, त्याचा फायदा मिळतोय टीम प्रिन्स इलेव्हन शरद स्मृती ट्रॉम्बेला। आणखीन एक मोठा फटका ऑन साइड ला, आता गॅप मध्ये जात असताना क्षेत्ररक्षक आहे, नाही थांबू शकणार, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार ठोकत असताना फलंदाज चेतन कोळी, टीमची धावसंख्या 18। पाटील आयांश स्पोर्ट्स संघाचा स्पॉन्सर हाय, अरे स्पर्धेमध्ये या त्याच्या जोडीला राम पवार हाय, ए मिथुन शेठ पाटील आयांश स्पोर्ट्स। थँक्यू राम पवार साहेब आणि त्याचबरोबर मिथुन शेठ पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही ट्रॉफी स्मृती चषक 2022। ओवर पिच बॉल समोर खेळला, यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहे वाडीश लॉंगॉनला, झेल पकडला जाईल, सुमितने पकडला झेल, फलंदाज बाद, दर्शननी पकडला झेल आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय चेतन कोळी। कोली को परता मिथुन दादा, रस्ता माझ सेवा त्याचा इरादा, कोली को परता मिथुन दादा, रस्ता माझ सेवा त्याचा इरादा, राम पवाराच्या सहकार्याने, राम पवाराच्या सहकार्याने केली आयोजित क्रिकेट स्पर्धा, हे स्पर्धा आयोजक मिथुन दादा, समाज सेवा त्याचा इरादा, हे प्रेमळ स्वभाव माणूस साधा। धक्का इथे आणखीन बसतोय टीम ट्रॉम्बेला। या मॅच मध्ये लक्ष आहे 72 रन चा, आता 54 धावांची आवश्यकता आहे। ओव्हर नंबर 2 चा खेळ इथे संपला, पहिल्या ओव्हर मध्ये 7 रन, दुसऱ्या ओव्हर मध्ये 11 धावा सूरज पाटीलने खर्च केला, दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 18 धावा झाल्यात आणि आता येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये 54 धावांची आवश्यकता, म्हणजेच 18 ची सरासरी ते गाठायची प्रत्येक ओव्हरच्या दरम्यान। लक्ष मोठं आहे, आयन स्पोर्ट्स कोपर आयोजित स्मृती चषक 2022 तुम्ही अनुभवताय। स्वर्गीय जनार्दन चंद्र पाटील, स्वर्गीय रघुनाथ शेठ जितेकर, स्वर्गीय जानाबाई अनंता पाटील आणि स्वर्गीय तुळशीराम गंगाराम पवार यांच्या स्मरणार्थ या स्मृती चषकाचं आयोजन करण्यात आलंय। प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 1,00,000 रुपये व आकर्षक स्मृती चषक, द्वितीय पारितोषिक 50,000 रुपये रोख व आकर्षक स्मृती चषक, तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये 25,000 रुपये रोख व आकर्षक स्मृती चषक देऊन सन्मान केला जाईल। 54 धावांची आवश्यकता आहे 18 बॉलमध्ये। या ओव्हर नंतर पाणी येईल 3 ओव्हर नंतर, ट्रिन्स ब्रेक 3 ओव्हर नंतरच आहे। तर 2 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय, 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या, स्कोर बोर्डवर 18 आणि ओव्हर नंबर 3 मध्ये भागेश सुरते गोलंदाजीसाठी आलाय। पॉवर प्लेचे षटक संपलेत, फुल टॉस होता, खूप चांगला ड्राईव्ह इथे करत असताना डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे वाईडिश लॉंग ऑफला, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न चालवलाय, 2 धावा मिळतील। रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली इथे पाहायला मिळते, 2 धावांबरोबर धावा झाल्यात आता स्कोरबोर्डवर।
20-20 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग 52 रनची आवश्यकता अजूनही या मॅच मध्ये आदरणीय मिथुन पाटील सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत वडघर यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी एक दैदिप्यमान सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय 34 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसत आहेत फुल टॉस आहे बॉल हवेत खेळलाय लॉन्ग ऑनला क्लिअर करेल का हे पाहायचं आहे हो बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतोय तुंग षटकार मॅच ऑन आता 46 धावांची आवश्यकता आहे ट्रॉम्बे संघ देखील सहजासहजी हार मानणार नाही आता मैदानामध्ये चल बिचल तुम्हाला पाहायला मिळते लगेच क्षेत्रक्षणाची सजावट करताना दिसलेत वाघिवली वाड्याचे खेळाडू आदित्य 11 KDH वाघिवली वाडा लक्ष चांगलं ठेवलं 72 रनचं परंतु आता षटकार आलाय या षटकाराच्या मदतीने धावा झाल्या 26 आणि 46 रन अजूनही करायचे आहेत गती थोडीशी कमी केली लाईन पाहावी लागेल पंच इशारा करतात हा व्हाईट बॉल असेल एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसते हा दबाव आहे गोलंदाजावर कारण पहिल्याच बॉलवर दोन धावा आल्या त्याच्यानंतरच्या बॉलवर षटकार आला 8 धावा पहिल्या दोन बॉलवर आल्यात आणि हा व्हाईट बॉल आता 9 धावा झाल्यात या ओव्हरमध्ये समीकरण आहे 16 चेंडूमध्ये 45 रन 16 चेंडू 45 धावा पाहूया बॅट्समॅनकडून मागणी होते हा व्हाईट बॉल नसून नो बॉल आहे का तो जर बॉल खेळपट्टीच्या बाहेर टाकला असेल तर पंच कदाचित नो बॉल घोषित करू शकतात नो बॉल असेल हा कारण ती क्रीज मार्किंग आहे त्याच्या बाहेर हा बॉल पडला त्याच्यामुळे नो बॉल घोषित केला जाईल टीव्ही अंपायर तिसरे पंच इथे स्वतः उपस्थित होते त्याचबरोबर आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये असणारे अमर पवार देखील इथे उपस्थित होते रोशन इथे उपस्थित होते आणि हा नो बॉल घोषित करण्यात आलाय त्यामुळे नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट आता समीकरण आहे 16 चेंडू आणि 45 धावा 16 चेंडू आणि 45 धावा हे समीकरण स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज हेमंत पाटील जो 8 रनवर खेळतोय 400 स्ट्राइक रेटने फटका हवेत खेळलाय हेमंतच्या बॅट मधून हवाई हल्ला बॉल चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार विश्वजित मात्रे दापोलीचा त्याची सावरीची हाय बॅट विश्वजित मात्रे दापोलीचा त्याची सावरीची हाय बॅट मोमेंटम आता शिफ्ट होत असताना टीम ट्रॉम्बेच्या दिशेने ज्या पद्धतीने ही फटकेबाजी सुरू आहे फलंदाज हेमंत पाटीलच्या बॅट मधून पहिल्या 3 बॉल आतापर्यंत त्याने फेस केले 14 धावांवर तो खेळतोय समीकरण बदललंय 15 बॉल आणि 39 धावा हे समीकरण आता मॅच मध्ये असेल रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 33 72 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता आणि आता 15 बॉल 39 हे समीकरण आलंय मॅच ऑन दोन्ही संघ ताकदीने मैदानामध्ये उतरलेत आदित्य 11 KDH वाघिवलीवाडा विरुद्ध प्रिन्सी 11 शरद स्मृती ट्रॉम्बे कोलीवाडा अशी ही लढत आपल्या समोर रंगत असताना अतिशय महत्वाचा हा सामना राऊंड विकेट आलाय राऊंड विकेट आल्यामुळे स्ट्रॉंग अपील झाली आहे इम्पॅक्ट पाहिला जाईल पंचांच्या माध्यमातून आणि त्यामुळे अपील फेटाळली आहे लेग बाईज राऊंड विकेट आल्यानंतर भरपूर वेळेला कठीण असतं कारण राऊंड विकेटने ज्या वेळेला गोलंदाजी केली जाते कदाचित थोडासा जरी लेग स्टंपच्या बाहेर बॉल टाकला पंच डायरेक्ट सांगतात नॉट आउट आणि त्याचमुळे पंचांनी ते अपील फेटाळली लेग बाईचा इशारा कळवलाय अवांतर धाव मात्र मिळताना दिसेल टीमची धावसंख्या पुढे जाते रन झालेले आहेत 34 14 चेंडू आणि 38 धावा हे दोन बॉल खूप महत्वाचे आहेत ट्रॉम्बे टीमच्या दृष्टिकोनातून हे दोन बॉल तेवढेच महत्वाचे आहेत वाघिवली वाडा टीमच्या माध्यमातून इथे एखादा डॉट बॉल आला तर दबाव पुन्हा एकदा बनेल ट्रॉम्बे टीमवर एखादा मोठा षटकार आला फटका आला तर मात्र पुन्हा एकदा मॅचमध्ये कमबॅक होईल टीम ट्रॉम्बेचं दोलायमान अवस्थेमध्ये ही लढत बोलत तयार राऊंड विकेट
रिवर्स केलाय, फटका हवेचा जातोय, सरळ जातो बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, पंचांचा इशारा येईल, हा येतोय चौकार. तेरा चेंडू आणि 34 धावांची आवश्यकता, हा बॉल तेवढाच महत्वाचा आता दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. 13 चेंडू आणि 34 धावा हे समीकरण. चांगला खेळ इथे दाखवत असताना हा रिव्हर्स फटका सजवला होता फलंदाज दिनेश पाटीलने, हेमंत पाटीलच्या बरोबरीने. दिनेश आता रंगामध्ये फलंदाजी करत असताना येणारे बॉल शिल्लक आहे 13 चेंडू मध्ये रन करायचे 34 पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली, विकेट किपरच्या हातामध्ये हा झेल, फलंदाज बाद होतोय. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल आणि 34 धावांची आवश्यकता असेल टीम ट्रॉम्बेला सामना जिंकण्यासाठी. 12 बॉल 34 रन. थँक्यू ओ प्रकाश शेठ, तुम्ही माणूस आहेत लाईक ग्रेट. अर्थातच इथे खऱ्यार्थानं एकदा महत्वाचा अनाउन्समेंट असेल. सी स्वयंभू स्पोर्ट्स कोपर आयोजित सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर चषक, अर्थातच कोपर प्रीमियर लीग 2022. ज्याला कोणाला फॉर्म इथे हवे असतील तर आपण इथून घेऊन जायचं आहे. आमच्या कॉमिटी डिपार्टमेंटमध्ये हे फॉर्म जमा आहेत, तर ज्यांना कोणाला फॉर्म हवे असतील तर ते फॉर्म आपण नक्कीच घेऊन जा, फक्त कोपरच्या खेळाडूंसाठी, कोपर गावातील. आणि 6 जानेवारी अंतिम फॉर्म भरण्याची जमा करण्याची तारीख असेल याची नोंद घ्या. तर जे कोण राहिले असेल त्यांनी इथे हे फॉर्म कलेक्टिंग करायचे आहेत. ओव्हर टू कुणाल सर. तर 12 चेंडूमध्ये 34 धावांची आवश्यकता. नाव बॅक टू क्रिकेट आय स्पोर्ट्स कोपर आयोजित स्मृती चषक 2022 तुम्ही पाहता. 1 लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये, द्वितीय पारितोषिक 50,000, तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक प्रत्येकी 25,000 रुपये रोख. उत्कृष्ट गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्यासाठी आकर्षक कूलर इथे देण्यात येणार आहे. क्षेत्रक्षकासाठी स्पोर्ट शूज देऊन त्या खेळाडूचा सन्मान केला जाईल. 34 संघांचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये झालाय. प्रत्येक दिवसामध्ये 2 संघ सुपर 8 मध्ये दाखल होतात आणि 5 तारखेला अंतिम दिवस या स्पर्धेचा असेल. 5 जानेवारीला या स्पर्धेमध्ये अंतिम मॅचेस खेळवल्या जाणार आहेत, सुपर 8 चे सामने खेळवले जाणार आहेत. उद्या या स्पर्धेमध्ये 10 संघ तब्बल खेळताना दिसणार आहेत. तसे मागील 3 दिवसापर्यंत आपण पाहिले प्रत्येक दिवशी 8 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळलेले आहेत. असे 34 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. चला तर जाऊया क्रिकेटकडे. ज्या मॅचमध्ये 12 चेंडूमध्ये आता 34 धावांची आवश्यकता आहे टीम ट्रॉम्बेला हा सामना जिंकण्यासाठी. तर याच दरम्यान साई भक्त शरद पाटील साहेब कोपर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. शरद पाटील साहेबांना विनंती करतो यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. वाईट बॉलचा इशारा इथे येतोय. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल आणि आता या मॅच मध्ये समीकरण आहे 12 चेंडू आणि 33 धावा. यावेळेला डॉट बॉल घोषित केलाय पंचांनी, त्याच्यामुळे आता समीकरण आहे 11 चेंडू आणि रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 11 चेंडू आणि 33 धावा. 11 बॉल 33 रन हे समीकरण या मॅच मध्ये. फुलर लेनचा बॉल, आणखीन एक डॉट बॉल इथे टाकलाय 10 चेंडू आणि आता 33 धावा हे समीकरण उरेल. 5 षटकार मारावे लागतील ट्रॉम्बे टीमला मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी. चांगली गोलंदाजी सूरज सातत्याने, यॉर्करचा प्रयत्न करतोय, फुलर लेंथ वर बॉल टाकतोय, त्याच्यामुळे रूम मिळत नाहीये फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्यासाठी. शफल झाला, कव्हर्सला खेळलाय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे परंतु मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक बॉल पर्यंत जातोय. 1 धाव मिळताना दिसेल.
सिंगलच्या जोरावर धावा झाल्यात आता स्कोरबोर्डवर 40 आणि इथून पुढे 32 धावांची आवश्यकता आहे. बॉल शिल्लक आहे तुमच्याकडे 9 चेंडू आणि 32 धावा. 5 षटकार मारायचे आहेत 9 चेंडू मध्ये. 9 चेंडू आणि 32 धावा हे समीकरण या मॅचच्या दरम्यान. 72 रन चा पाठलाग करायचा होता प्रिन्स इलेव्हन शरद स्मूर्ती ट्रॉम्बे या टीमला. फुलर लेनचा बॉल पुन्हा एकदा बॅटच्या आतमधल्या कडेला बॉल लागतोय, मागे जातोय शॉर्ट्स बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. बॉल अडवला जाईल तोपर्यंत फक्त 1 रन. 8 बॉलचा खेळ शिल्लक, 31 रनची आवश्यकता. 8 बॉल 31 रन असे मॅचेस रंगतदार होतात. सूरतचं हे षटक अतिशय महत्वाचं षटक होतं वाघिवली वाडा टीमच्या दृष्टिकोनातून. आदित्य इलेव्हन केडीएच वाघिवली वाडा या मैदानावर नेहमीच चांगला खेळ ते करताना दिसतात. ट्रॉम्बे संघाच्या समोर समीकरण आहे 8-31. स्ट्रायकिंग इनला फलंदाज हेमंत पाटील. या खेळाडूकडे क्षमता आहे परंतु इथे बॅटची कडा घेतली, बॉल मागे जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि फलंदाज बाद. याच दरम्यान खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य यांचं लाभलं आहे. ते अर्थातच राम पवार साहेब कोपर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. सकाळपासून मान्यवरांच्या खऱ्या अर्थानं स्वागत समारंभासाठी एक महत्वाची कामगिरी आणि या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य, राम पवार साहेबांचं सहर्ष स्वागत. आता शेवटचा बॉल या षटकातला शिल्लक, 7 बॉल मध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. या बॉलवर एखादा मोठा हिट पाहिजे टीम ट्रॉम्बेला, त्याच वेळेला कमबॅक होऊ शकते या मॅच मध्ये. अन्यथा शेवटच्या षटकामध्ये भरपूर रन राहतील आणि बॅकफुटला जाईल पूर्णपणे ट्रॉम्बेचा संघ. सूरज तोच विचार करत असेल शेवटचा बॉल अचूक टप्प्यावर मला टाकायचा आहे. मोठं नाव आहे केडीएच वाघिवली वडा सूरज पाटील. आणि आता गोलंदाजीसाठी राऊंड विकेट सज्ज होईल कारण लेफ्ट हँडेड बॅट्समन मैदानामध्ये आलाय अमित कोळी. 7 बॉल आणि 31 धावा. यानंतरचा सामना होईल कुमार इलेव्हन तुर्बे विरुद्ध या मॅच मधला विजेता संघ. लास्ट मॅच ऑफ द डे, 4 षटकांची ती लढत होईल. सकाळच्या सत्रामध्ये सुपर 8 मध्ये दाखल झालाय संघ सांभारली. रजत मुंडेचा दमदार खेळ सेकंड मॅच मध्ये अर्धशतक ठोकलं. फुल टॉस होता, कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना बॉल चाललाय सीमारेषेच्या लगत. पंचांचा इशारा येईल, हा चौकार येतोय. आल्या आल्या अमितच्या बॅटमधून चौकार आणि आता 6 चेंडू मध्ये रन करायचा सामना जिंकण्यासाठी 27. 6 बॉल 27 रन. शेवटचं षटक आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये 27 धावांची आवश्यकता. 27 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 6. 6 बॉल 27 रन. 6 गेंदे 27. 2 फलंदाज आता खेळत असताना आल्या आल्या चौकार ठोकला अमित कोळीने आणि आता मैदानामध्ये शुभम पाटील याच्याकडे स्ट्राईक असेल. शेवटचं षटक टाकण्याची जबाबदारी सत्यवन पाटील. लेफ्ट आर्म सीमर चा वापर. 6 चेंडू मध्ये रन डिफेंड करायचे 27. श्री गणेश क्रीडांगणावर आपण आहोत कोपरच्या. 57 आता लास्ट ओव्हर मध्ये गोलंदाजी आणि 27 धावा डिफेंड करायचे आहेत परंतु समोर खेळण्यासाठी तयार होत असताना शुभम पाटील ज्याने 1 रन ने स्वतःचं खातं उघडलंय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अमित कोळी ज्याने चौकार ठोकून स्वतःचं खातं उघडलंय. पहिला बॉल, पहिला फुल टॉस होता. समोर खेळलाय व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे, झेल दिलाय फलंदाज बाद.
नीरज कोळी आलाय नवीन फलंदाज. मॅच मध्ये समीकरण आहे 5 बॉल आणि 27 धावा. 5 चेंडू मध्ये 5 षटकार टोकावे लागतील सामना जिंकण्यासाठी. 4 षटकार 1 चौकार हे समीकरण चालू शकतं सामना जिंकण्यासाठी. परंतु सध्या बॅकफूटला आहे पूर्णपणे संघ ट्रॉम्बेचा. प्रिन्स इलेव्हन शरद स्मृती ट्रॉम्बे कोलीवाडा. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक, 27 धावा करायचे आहेत. नवीन फलंदाज नीरज कोळी. अमित कोळी सध्या स्ट्रायकिंग एंडला, ज्याने मग अशी कव्हर ड्राईव्ह दाखवला अतिशय नेत्रदीपक फटका, चौकार त्याने ठोकला होता लास्ट ओव्हरमध्ये शेवटच्या बॉलवर. तो समित आक्रमक असतात लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. परंतु खोलवर टप्प्यावर टाकलाय बॉल, सरळ बीट करून जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि हा डॉट बॉल. आता समीकरण आहे 4 बॉल 27 रन. केडीएच वाघिवलीवाडा आदित्य इलेव्हन हा संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. परंतु अजूनही 4 बॉलची औपचारिकता. फुल टॉस टाकलाय, बॉलला पाठवलाय बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा, येतोय हा षटकार. एकवीस धावांची अजूनही आवश्यकता, 3 बॉल आणि 21 धावा. अजूनही सामन्यामध्ये कमबॅक होऊ शकते एखादा खराब बॉल जर टाकला गोलंदाजाने तर. अजूनही चित्र बदलू शकते या मॅचचं. सहा धावा इथे मात्र मिळाल्यात आणि आता 3 चेंडूमध्ये 21 धावांची अजूनही आवश्यकता असेल. 3 चेंडू 21 धावा समीकरण या मॅच मध्ये. बोल सत्यवन पाटील. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक थोडस आतमध्ये बोलवलाय. फलंदाज अमित पुन्हा एकदा तयार होईल. 3 बॉलमध्ये 21 धावांची आवश्यकता असेल. हा बॉल जाऊ दिलाय पंच, इशारा कळवतायत हा वाईट बॉल असेल. अजूनही सामना ते कायम कधी झुकतोय टीम वाघिवलीवाड्याच्या दिशेने, कधी हा सामना जातोय टीम ट्रॉम्बेच्या दिशेने. परंतु अजूनही कठीण लक्ष आहे. 3 बॉलमध्ये 20 करायचे आहेत. ही लाईन चांगली आहे, यावेळेला बीट केलंय त्यामुळे आता औपचारिकता. फक्त या मॅचमध्ये 2 बॉल आणि 20 धावा. तुर्बे टीमचे कॅप्टन तयार राहायचे व्यासपीठावर. लगेचच टॉस होईल, 4 षटकांचा हा सामना खेळवला जाईल. नेक्स्ट मॅच सुपर 8 साठी एक संघ क्वालिफाय होईल. 2 चेंडू 20 रन. शॉर्ट बॉलवर देखील फलंदाज बीट झालाय, परंतु लास्ट बॉल खेळायचा आहे नीरज कोळीला. 22 चा इशारा इथे पंच घोषित करत असताना. शेवटच्या बॉलवर 19 धावांची आवश्यकता. मागचाही सामना 18 रनने जिंकला. आता हाही सामना जवळपास त्याच दिशेने वाटचाल करत असताना. सर्वाधिक मोठा फरक मगाच्या मॅचमध्ये आपण पाहिला, 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 50 धावांनी तो सामना जिंकला विचुंबेच्या विरुद्ध चांभारलीने. 1 चेंडू आणि 19 धावा हे समीकरण. बॉल हवेत आहे इथे, झेल होऊ शकतो विकेट किपर खाली येतो आणि हा सामना 18 धावांनी जिंकलाय टीम आदित्य इलेव्हन केडीएच वाघिवली वाडाने. यानंतरच्या सामन्याचा टॉस करण्यासाठी मी सिटी पाटील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना आमंत्रित करतो आपल्या शुभस्ते. आपण टॉस करावा, त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देखील दिला जाईल आणि मॅन ऑफ द मॅच विजेता खेळाडू ठरतोय. सूरज पाटील ज्याने 3 फलंदाजांना बाद केला आणि बॅटिंग करत असताना 12 धावांची खेळी केली, तर सूरज पाटील ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. जाऊया प्रेझेंटेशन सेरेमनी कडे. तिथे प्रवीण गायकर आपल्याबरोबर जोडले जातात आणि जसा सामना सुरू होईल दुसऱ्या यानंतरच्या सत्रामध्ये त्यावेळेला पुन्हा एकदा आपण ऐकूया. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रवीण गायकर सर यांना धन्यवाद. थँक्यू कुणाल सर. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सिटी पाटील सरांच्या शुभ असते. इथे पारितोषिक देखील दिलं जाईल आणि टॉस देखील केलं जाईल. तर चला आदित्य इलेव्हन केडीएच वाघिलवाडा क्रिकेट संघाचे कॅप्टन आपण यावा आणि त्याच्यानंतर कुमार इलेव्हन तुर्बे क्रिकेट संघाचे कॅप्टन टॉससाठी लगेच रिपोर्टिंग करायचे आहे. सामनावीर नक्कीच इथे ठरलाय तो खेळाडू. तर सूरज पाटील ठरलाय हा सामनावीर या मॅचचा हिरो. ऑलराऊंडर कामगिरी खऱ्या अर्थानं बजावली त्याने आपल्या संघासाठी आणि इथे विजय संपादन करून दिलाय. आजच्या दिवसातील शेवटची लढत खऱ्या अर्थानं व्यासपीठावर तुम्ही पाहू शकाल. सिद्धिविनायक चषकाचे दमदार आयोजक अर्थातच प्रकाशजी झुगे
हे देखील व्यासपीठावरती आहेत। त्यांच्या माध्यमातून पुढच्या वर्षी 2023 ला देखील आणखी दर्जेदार स्पर्धा तुमच्या भेटी येईल। नुकताच काही दिवसांपूर्वी सिद्धिविनायक चषक ट्रॉफी तुम्ही पाहिलीत, त्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक, स्वागत आहे जुगे साहेब तुमचं। तर सूरज यावा पारितोषिक घेण्यासाठी सिटी पाटील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेबांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक मॅन ऑफ द मॅच दिलं जाईल। सूरजसाठी जबरदस्त ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि तो खेळाडू ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो। कॉंग्रॅच्युलेशन्स, बेस्ट ऑफ लक पुढच्या मॅचसाठी।